Hello friends, hello my dear students, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by Lalan Kumar. प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट वेक्टर, क्या पढ़ रहे थे? इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, जिसके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातों को बताया गया था. हम अभी किसी बच्चे से पूछेंगे, आप उसको जवाब देने का कोशिश करेंगे. तो आप लोग एक सामूहिक रूप से बताएंगे जल्दी से, यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है? क्या होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल? क्या होता है? एन कैप होता है, कन्फर्म. चलिए उसके बाद बताइएगा जल्दी से, यूनिट वेक्टर का सिंबल यदि एन कैप है तो इस एन कैप पर यदि मॉड लगाएंगे उसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? वेरी गुड, सही जवाब है. अब उसके बाद बताएंगे कि कोई भी सदिश राशि मेरे पास है, उस सदिश राशि में उसका परिमाण से भाग देना है तो रिजल्ट कितना होता है? वो एन कैप कहेंगे. क्या कहेंगे? एन कैप. क्या कहेंगे? एन कैप. क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एन कैप. क्योंकि आपने देखा एन कैप का भी परिमाण कितना? वन. और किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देंगे तो उसका भी वैल्यू कितना? वन. तो इसका भी वैल्यू वन, इसका भी वैल्यू वन. इसमें भी डायरेक्शन है, इसमें भी क्या है? डायरेक्शन. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आपको बताया गया था. तो यहाँ तक चर्चाएं हो चुकी है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइन जो आपने देखा, किसी भी वेक्टर में यदि हम किसी वेक्टर में उसी के परिमाण से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब होगा एन कैप. इसका मतलब हुआ, हम बोल सकेंगे यहाँ पर इसको भाषा में, किसी भी सदिश को उसके परिमाण, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड से भाग देने पर उस सदिश का यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है. यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है. क्लियर बात हुआ. किसी भी सदिश में उसी के परिमाण से भाग देने पर उस सदिश का यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है. ये लाइन हम लोगों को हमेशा के लिए याद रखना है. चलिए अब यहाँ के बाद और एक नया चीज आपको सिखाएंगे. आने वाला दिन में जब आगे वेक्टर से रिलेटेड बड़ा बड़ा थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखना है कि इस टर्म का यूज बहुत ज़्यादा होगा. ऐसे कंसेप्ट आएंगे, कोई वेक्टर दे देगा और आपसे क्वेश्चन करेगा, अरे बाबू हाँ बताओ कि उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे. उस दिन आपको ये लाइन मदद करेगा. और ये लाइन आपको क्या हुआ, जिसका भी यूनिट वेक्टर निकालने कहेगा, हम बच्चे लोग उस वेक्टर में उसका परिमाण निकाल कर भाग दे देंगे और जो आंसर आएगा वही होगा यूनिट वेक्टर. चलिए अब आएगा तब पता चलेगा, अभी सिर्फ याद रखिएगा कि ये लाइन होता है और हम लोग इसका यूज करेंगे. अब देखो गौर से, यदि हम लोग इस लाइन को सही मानते हैं तो इस लाइन के मदद से हम बच्चे लोग लिख पाएंगे. यहाँ पर गौर से देखिएगा, इस लाइन के मदद से हम लोग लिख पाएंगे ए इंटू एन कैप बराबर वेक्टर ए. जल्दी बोलो हाँ या ना. मैथमेटिक्स के हिसाब से ये लाइन लिखना संभव है कि नहीं? ये लिखना संभव है. तो यदि ये लाइन लिखना संभव है तो सर हमें ये लाइन क्या सिखाता है? ये लाइन हमें सिखाता है
किसी भी सदिश का परिमाण मेरे को मालूम है और उसे वेक्टर के रूप में लिखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस राशि को यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। क्या करते हैं? यदि ए है एन कैप से गुना किए तो वेक्टर ए लिखा रहा है कि नहीं? तो ये लाइन क्या सिखाया? चूंकि एन कैप का परिमाण कितना होता है? वन। कितना होता है? वन। यदि एन कैप का परिमाण वन होता है, उसको ए से गुना कर दिए, एक से गुना करेंगे, कोई अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ए को एक से गुना किए, ए रह गया, लेकिन इसमें डायरेक्शन वाला पद है, इसलिए इसमें भी डायरेक्शन आ जाता है। तो ये लाइन हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? अर्थात हमको यहाँ से देखना है, ये लाइन जो हमें सिखा रहा है, किसी भी सदिश को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए उसे यूनिट वेक्टर से गुना किया जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, इसका भी जरूरत बार बार पड़ेगा। तो जो चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं उसी को भाषा में लिखा गया कि अभी यहाँ सिर्फ ए था, उसमें कोई दिशा नहीं था, लेकिन उस पर दिशा लाने की जरूरत है, वेक्टर के रूप में लिखने का जरूरत है। तो मैंने किसे गुना किया? एन कैप से। जैसे एन कैप से गुना किया तो क्या बन गया आपका? वेक्टर ए। क्या बन गया? तो ए पर कोई दिशा नहीं था, दिशा लाना था, तो मैंने किसे गुना किया? एन कैप से। तो क्या उस पर दिशा आ गया? तो जब भी कभी किसी भी राशि को वेक्टर फॉर्म में लाना हो तो मेरे दिमाग में सेट रहना चाहिए तो उसको किसे गुना करेंगे? यूनिट वेक्टर से। एन कैप नहीं बोलना है, क्या बोलना है? भाषा में यूनिट वेक्टर बोलना है। क्या बोलना है? यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। तो उसी को मैं भाषा में लिख दिया, ये सब हालांकि लिखने का चीज़ नहीं है, फिर भी लिख दिया, आप लोग भी लिख लीजिए। सुन के दिमाग में बैठाना है, सुन के दिमाग में सेट करना जरूरी है, क्योंकि ये सब लिख के कोई फिर नोट्स या एग्जाम में ये सब पूछने वाला नहीं है। ये सब वेक्टर का ABCD माना गया है और वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्लास में ही बैठ जाना चाहिए, बाद में रटना नहीं है। चलिए, आपने इसको लिख लिया होगा, चलिए बहुत सुंदर बात। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नया बात। प्यारे बच्चों, आप लोग एक्सिस को जानते हो? एक्सिस को बच्चे क्लास में ग्राफ में पढ़ता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक एक्सिस होता है जेड एक्सिस। सुने आप लोग? सुने हैं कि नहीं? हाँ सर, तीन एक्सिस होता है। आप बच्चा तीन को कलम हमको दे दो जल्दी से, तीन कलर का है ना? वाह, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आप गौर करके देखना, आप लोग यहाँ पर मैं बताऊंगा तीन एक्सिस। सर, ये एक्सिस को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये लाल कलम हो गया एक्स एक्सिस, ये हरा है ना, हाँ हरा वाला है वाई एक्सिस, और ये बीच में खड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा जेड एक्सिस। आप बच्चे अपने घर में जो घर का कोना होता है, कोना पर अपना दिमाग ले जाओ, घर का कॉर्नर, घर के कॉर्नर में भी देखिएगा, इसी तरह से तीन लाइन मिलता हुआ नजर आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। होगा ऐसा? कन्फर्म होगा सर। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सतह में फर्श में लेटा हुआ है और जेड एक्सिस हवा में खड़ा है कि नहीं? यही मानिएगा, ये मानिएगा आपका घर का ये कोना का पिलर है, और ये एक दीवार हुआ और ये घर का कोना का पिलर हुआ। तो इसको कहिएगा एक्स एक्सिस, इसको कहिएगा वाई एक्सिस, और इसको कहिएगा जेड एक्सिस। गौर से देखिएगा, ठीक है, दिख रहा सबको? यस सर। अब मैं पूछूंगा, रे बाबू, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? कितना कोण बनेगा? कन्फर्म? यस सर। फिर सूरज, अब यहां से देखेंगे एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के बीच का कोण कितना होगा?
90 डिग्री वहां लाइक कटा हुआ है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, राइट। तो आप क्या देखा आपने, इसके बीच का कोण कितना डिग्री, इसके बीच का कोण कितना डिग्री, और इसके बीच का कोण कितना, मतलब आप बच्चे ध्यान में दो, यहां पर तुम सब क्या ऑफ करके रखता, लाइन आ भैया कट्टा, भगवान जो है ना बहुत दुष्ट, लाठी लेके मारना होगा क्या रे, भेटे नहीं होता ना, भेट होगा तब ना खोजेंगे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आपसे प्रश्न किया जाए, क्या प्रश्न किया जाएगा कि रे बाबू तीन एक्सिस है आपका, उसी तीन एक्सिस को मैंने अभी दिखाया था उसी को बोर्ड पे बताएंगे, तो जब बोर्ड पे फिगर बनाएंगे तो आप बच्चों को ध्यान देना है, यहाँ पर गौर से आइए उसको हम लोग समझते हैं गौर से, यदि उसी को बोर्ड पे बताएंगे तो इस तरह से सोचेंगे, इसको आप कह दीजिए एक्स एक्सिस, क्या कह दीजिएगा, एक्स एक्सिस इसको कह दीजिए, और इसको कह दीजिए आप वाई एक्सिस, और एक तीसरा ले लीजिए आप जेड एक्सिस ले लीजिए। बोर्ड पर आपने ऐसे बना दिया फिगर में, तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट का हिंदी नियामक, जीरो 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 होता है कि नहीं। अभी मैं आपको सिखा चुका ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच तो कौन बनेगा, ये कौन कितना बनेगा, देखने में लगता है क्या गौर से देखो तो, जब मैंने वही चीज अभी आपको बना रहा था एक्सपेरिमेंट करके, आपने कह दिया 90 डिग्री, और उसी को जब मैंने बोर्ड पर फिगर बनाया तो कह रहा है कि 90 डिग्री नहीं होगा, ये तो आप लोग बेईमान आदमी है कि नहीं है, मैंने कभी हाँ कभी ना, ये गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई सर एक्स एक्सिस y एक्सिस बोर्ड के तल में लेटा हुआ है, और एक्चुअल में यह z एक्सिस ऐसे नहीं है, यह z एक्सिस ऐसे, मन को यही समझाना होगा, क्या मैं कहूंगा हवा में लाइन खींचो, है कोई संभावना हवा में लाइन खींच पाइएगा, हवा में लाइन नहीं खींच पाइएगा, तो आपको मजबूरी है ना, किताब वाले को मजबूरी है ना, वो हवा वाला लाइन भी सतह में दिखाएगा, तो वो लाइन हवा में नहीं खींच सकते हैं, आप सतह में दिखा दिए, लेकिन आपके मन को कहना होगा, मन को समझाना होगा, रे मन ये लाइन सोया हुआ नहीं है, ये तल में लंबवत है, आई बात समझ में, तो इसको समझना होगा, कल्पना करना होगा, वह बोर्ड पे देखने में नहीं लगेगा। इसीलिए थ्री डायमेंशनल कोई भी थ्योरी होता है, हवा का थ्योरी, तो वहां पर बच्चों का माथे से धुआं निकलने लगता, क्योंकि दिखता है कुछ, सोचना पड़ता है कुछ, वहीं पर बच्चे का ओरिजिनल मेरिट का पहचान होता है, तो देखने से लगता है कि 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन आपको होल लाइफ जिंदगी भर आपको यह 90 डिग्री बोलना पड़ेगा, मान गए आप लोग, जल्दी बोलिए, अब बताओ ये कौन कितना डिग्री, सर ईट हो तो देखने में लगता है सर 90 होगा, फिर मैं आपको फंसा रहा हूं, फिर मैं फंसा रहा हूं, सर हम लोग जानते थे कृषि वृत्त में जब कोण बनता है तो 360 डिग्री होता है सर, सर 90 90 90 270 होगा सर, 360 कहाँ पूरा है सर, भाई मेरे सुनिएगा गौर से, वृत्त बनता है किसी सतह में कि हवा में बनता है, सतह में, ये जो चार एक्सिस सतह में है पहले, तो वृत्त का कल्पना यहाँ करेंगे नहीं, इसलिए ये कल्पना करते हैं यहाँ तो मेरा गलत सोच होगा, इसको हटाइए यहाँ से, जो चीज कंफ्यूज करता है उसको हटा दीजिए, मतलब यहाँ वृत्त का कल्पना आप कभी
नहीं करेंगे। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? मान गया कि नंबर 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 होगा। इधर पूछिएगा कि सर सभी कोण का जोड़ 360 होना चाहिए, इधर पूछिएगा कोई भी। चलिए एक बात क्लियर करा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने एक चींटी को घर में कोना पे रख दिया, सुना आपने कुछ? घर के कोना है ये, ओरिजिन वो है, यहाँ मैंने एक चींटी को रख दिया, वो बेचारी चींटी इस किनारे को पकड़ते हुए यहाँ पर पहुंच गया, ए बिंदु पर पहुंच गया। तो चींटी ने कितना दूरी तय किया? ओ ए। आप घर से आइएगा कोचिंग तो बोलेंगे दूरी कहाँ कितना हुआ कोचिंग, घर से कोचिंग बोलिएगा, दोनों बिंदु बोलिएगा, खाली कोचिंग बोल दीजिएगा। तब वही भैया साहब बोले कि ए, ओ से चल के आया ए पर, कितना दूरी तय किया? ओ ए दूरी तय किया। आपको सिखाया था मैंने ये दूरी टेढ़ा मेढ़ा होगा सीधा होगा, गारंटी? तो इसको सदिश बना सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। उसको गुना करेंगे किससे? एन कैप से। तो क्या लिखिएगा? वेक्टर ओ ए। क्या बोलिएगा? अभी यही बता रहे थे ना कुछ देर पहले, वेरी गुड। तो सर ये हुआ वेक्टर ओ ए आपका हो गया, इसका मतलब ओ बिंदु हो गया टेल, ए बिंदु हो गया हेड। ओ बिंदु क्या हो गया? टेल, और ए बिंदु हेड। वेरी गुड। चलिए इसको दूसरा चिट्ठी को रखे, आके दूसरा चिट्ठी को रखे, वो भी बेचारी यहाँ से चला ओ से और यहाँ पर बी पर पहुंचा, उसे कितना दूरी तय किया? ओ से बी तक दूरी तय किया। उस ओ बी को वेक्टर बनाना हो किसे गुना करेंगे? तो ये कहलाएगा वेक्टर ओ बी। संतुष्ट है? तीसरा जो यहाँ रखे वो यहाँ आया सी बिंदु तक, उसे दूरी तय किया ओ सी, ओ को सी से गुना करेंगे एन कैप से, तो हो जाएगा वेक्टर ओ सी, राइट। एक चिट्ठी को और रखे थे, उसने भी दूरी तय किया था, किया था, अब दिखाई नहीं है, वो मेरे मने में है, आप लोग को देखना है, देखेंगे दिमाग चेक करेंगे आप लोगों का, वो कहीं ना कहीं गया, अब किधर गया बोल नहीं रहा हूं मैं, मेरे मन में है, अब देखे किसको क्षमता है मेरे मन की बात को समझने का। तो उसने दूरी तय किया ओ से लेकर डी तक, अब डी कहां हम दिखाया नहीं है, आपसे पूछेंगे अभी, उसको गुना करेंगे एन कब से, वेक्टर ओ डी होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिएगा, वेक्टर ओ ए कौन एक्सिस में है? वेक्टर ओ बी कौन एक्सिस में है? वेक्टर ओ सी कौन एक्सिस में है? सही बात है। वेक्टर ओ डी कौन एक्सिस में है? सबका आंसर अलग अलग। सर आप सारे बच्चों को मैं पूछ रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कहां बोले इसको, क्योंकि दिखता है ये नहीं है सर कहां है डी, दिखेगा तब ना बताएंगे गुरुजी, दिखिए नहीं रहा है, ये तो आप फंसा रहे हम लोग को, नहीं फंसाएंगे। अब ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं कि बिना कुछ देखे डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। अब देखिएगा, ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्टों ने कहा यूनिट वेक्टर का सिंबल एन कैप नहीं होता है, और भी होता है, और वो क्या क्या होता है आइए सुनते हैं हम लोग। एन कैप का जो सिंबल है यूनिट वेक्टर का, या इसके बदले हम आई कैप भी बोल सकेंगे, जे कैप भी बोल सकेंगे, और के कैप भी बोल सकेंगे। जैसे मैंने कहा था एन कैप का परिमाण 1 बोला था ना, उसी तरह से आई कैप का परिमाण 1 और के कैप का परिमाण 1, मतलब ये तीनों भी यूनिट वेक्टर का सिंबल है, सुना आपने कुछ? लेकिन वो तीनों कहाँ होता है? तो क्या गो एक्सिस का चर्चा हुआ था, तीन गो, इसका मतलब ये तीनों का दिशा अलग अलग होता है, इसको मिटा देते हैं, अलग ये तीन यूनिट वेक्टर का दिशा किधर किधर होता है उसको गौर से जरा सा सुनिएगा आप लोग। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर का सिंबल आई कैप दिया जाता है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर सिंबल जे कैप दिया जाता है, और जेड एक्सिस में के कैप। माय डियर बच्चों, तो मुझे अब यहां से एन कैप हटाना है और ये सब लिखना है। अब बताओ तुम लोग कि एन कैप के स्थान पर क्या लिखूं मैं?
कंफर्म हो? एंड इसके जगह पर वारे बहादुर साहब, इसके जगह पर के कैप। अब देखिए, अब मैं यह चित्र मिटा दूंगा, तब पूछूंगा आपसे, रे बाबू वेक्टर ओ ए कौन एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में, क्योंकि माइंड में याद करना होगा। चलिए, कभी कभी ऊपर वाले को मजा आता है बदमाशी करने में। चलिए, तो यहां पर देखेंगे हम लोग, अभी जो बताया गया था, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, वेट एंड वॉच, तब तक क्वेश्चन पूछते हैं। मैं पूछूंगा, रे बाबू आई कैप क्या है? आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के दिशा में। क्या है बाबू? यूनिट वेक्टर है, कंफर्म। जे कैप क्या है? वाई एक्सिस के अनुदिश यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस के अनुदिश यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस के अनुदिश, वाई एक्सिस के अनुदिश, वाई एक्सिस के अनुदिश, वाई एक्सिस के अनुदिश, कौन सी? जे कैप। और के कैप? के कैप जेड एक्सिस के अनुदेश यूनिट वेक्टर है। कंफर्म हो गए? अब प्यारे बच्चों, गौर से देखेंगे हम लोग, विचार करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, अभी जो आपको फिगर बता रहे थे, उसमें से एक तो लिखे थे ओडी, लिखे थे याद है, और उसको गुना किए थे किसे? एन कैप से। तो क्या था आपका? वेक्टर ओडी। मैंने पूछा था यह वेक्टर ओडी कौन एक्सिस में होगा जी? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, क्योंकि एन कैप एक्सिस को नहीं बताता है, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं लिखूंगा, अब देखिएगा, यहाँ लिखा मैंने के कैप, जल्दी बोला कौन एक्सिस में होगा? देखा, यही चीज सिखाना था, चित्र में कहीं दिखाए थे डी बिंदु, आपने बता दिया कि नहीं? यस सर। तो चित्र तो आप लोगों से दूर भाग गया था, हम प्यार से उसको बुलाते हैं, चित्र भैया कम हियर, बच्चा लोग रोएगा, आ जा रहे, आ गया, लेकिन कलर बदल जाएगा थोड़ा सा। चलिए, हो गया। ये क्या आपका एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड, ये क्या है ओरिजिन। ए बिंदु यहाँ दिखाए थे, यहाँ पर बी बिंदु दिखाए थे, यहाँ पर सी बिंदु दिखाए थे, और कहते इस दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप, इस दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप, इस दिशा में यूनिट वेक्टर के कैप, बोला था ना? वेरी गुड। अब कहा था आपको कि ओ से ए तक का जो दूरी है उसको लिखना है, वेक्टर ओ ए इंटू, क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ ए, चलिए बोलिए हाँ या ना। फिर ओ से बी तक की दूरी को लिखना है, ओ बी को किसे गुना करेंगे? जे कैप से, यहाँ क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ बी। फिर यहाँ पर लिखेंगे इस दिशा में, ओ सी को गुना करेंगे के कैप से, क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ सी। होगा कि नहीं होगा? इतना बात जानने के बाद, ये कौन कितना डिग्री था, ये कौन कितना था, ये कौन कितना था, कंफर्म? तो मैं एक लाइन पूछता हूँ, सबसे पहले कौन बोलेंगे, सबसे पहले कौन बोलेंगे? तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले कौन बच्चा बोलने वाला है उसको देखना हम लोगों को। मैं पूछूंगा, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, हिंदी से, ओ चाहे आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितना होगा? कितना? बारे बहादुर साहब, समझ गए आप लोग, 100% समझ गए। फिर मैं कहूंगा बिटवीन, जल्दी जवाब देना, बिटवीन जे कैप एंड के कैप, कंफर्म? फिर पूछूंगा मैं बिटवीन आई कैप एंड आई कैप,
सर जीरो आई एक तो वाई एक्स एक्सिस में, दूसरा भी आई क्या होगा एक्स एक्सिस में, तो दोनों एक लाइन में हुआ जी। तो यहाँ दोनों एक लाइन में हुआ मतलब सेम डायरेक्शन, क्या बोलेंगे सेम डायरेक्शन हुआ सर। और आपको होल लाइफ में याद रखिएगा दो रेखा एक ही दिशा में होगा, दो सदिश एक ही दिशा में होगा, उसके बीच का कोण जीरो, तो क्या बोलिएगा यहाँ पर। तो यही था यूनिट वेक्टर का दुनिया, इतना बड़ा यूनिट वेक्टर था, इतने सारे चीज हमको सीखना था। जल्दी अपलोड कर लीजिए, तब यहाँ से हम लोग फिर नई चीजों की ओर चलेंगे। क्या कर था ये डबल हथियार तुम लोगों को पता। तो हम सभी बच्चों ने सुन लिया। चलिए हमारे ऑनलाइन देखने वाले सचिन कुमार कैसे हो आप लोग, किरण कुमारी, रूपम कुमारी, दीपक कुमार, सब ठीक ठाक हैं? सभी लोगों ने जवाब दिया था, विशाल कुमार ने जवाब दिया था जीरो डिग्री, बहुत अच्छा सही जवाब था। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप लोग। अब आप लोग के सामने नया वर्ड आएगा, तो कहा था मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार में आपको बताना था, जिसमें आपको बताया मैंने पहला एक पॉइंट पर चर्चा किया यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश में इतनी सारी बातों को सीख के याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि इकाई सदिश में जो है, समझने के बाद हमको समझना है इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे। तैयार हो जल्दी से, हम लोग इक्वल वेक्टर पर चलेंगे। रेडी हो गया, लिखा हुआ आप लोग का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा आप लोग नया नया बादशाह है, अभी देर लगेगा, अभी बादशाह हारिज हो रहा है ना, जब हारी हो जाएगा कंप्लीट तब दौड़ने लगा रेस में। अभी ट्रेनिंग पीरियड है आप लोग का भी। तो जितनी भी बातें आप लोगों से पूछा गया आप लोगों ने उसका जवाब स्पष्ट दिया। चलिए यहां तक हम लोग सफल हो गए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अब इक्वल वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं हम लोग, चलिए ये उस पर फोकस करेंगे। रेडी, मैं बढ़ूँ आगे, बढ़ूँ आगे। अब आप लोग आप सामने वाले बात में लिख लीजिएगा, मिटेगा नहीं, मिटाए सो तो सर मिटाए जाए था भाई। चलिए आगे बढ़े, अब लोग दूसरा पॉइंट पर चलते हैं और वो आप लोग ध्यान से सीखिएगा, जवाब दीजिएगा इक्वल वेक्टर। हिंदी में कहेंगे समान सदिश। तेजी से पहले लिख लीजिए तो तब गप सुनिएगा आप मेरा। वह दो सदिश जो
एक दूसरे के समांतर हो, कॉमा जिसका परिमाण समान हो तथा दिशा समान हो। कॉमा समान सदिश कहलाता है। समान सदिश कहलाता है। When two vectors are parallel to each other, and equal in magnitude and both are in same direction, then both vectors is called equal vector. चलिए इसको फिगर में समझते हैं हम लोग, जल्दी से लिख लीजिए तब इसको फिगर में समझाएंगे। इसको फिगर में समझेंगे आप क्या कहता है, गौर से देखिए फिगर में। कहता टू वेक्टर के बारे में बात करते हैं, आइए फिगर को गौर से समझिएगा आप लोग पूरा कंसंट्रेट होकर। सर ये मान लेता हूं मैं एक वेक्टर को मैंने पिक्चर में रिप्रेजेंट किया इस तरह से, और वे एक वेक्टर किसी एक फोर्स को बल को बता रहा है, बल वेक्टर एफ वन को ये रिप्रेजेंट किया और इसका नाम दिया यहाँ पर ए, इसका नाम दिया बी। तो मैं कहूँगा इस पिक्चर को पढ़ने के लिए सिंबल में लिखने के लिए क्या आप लिख सकते हैं, हाँ सर ए पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं टेल और बी पॉइंट को क्या कहेंगे हेड, क्लियर है। यदि मैं इस तरह से एरो दिया, एरो का बैक वाला पॉइंट पीछे वाला पॉइंट टेल और आगे वाला पॉइंट हेड, तो इसको इस पिक्चर को सिंबल में लिखेंगे तो बल वेक्टर एफ वन बराबर आप कहोगे पहले क्या बोले थे टेल को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हेड को, उसके ऊपर क्या मारेंगे एरो देंगे, तो वेक्टर एफ वन हमारा वेक्टर ए बी बन गया। अब कहता है उसी बल को मैं फिर दूसरे चित्र में दर्शाऊंगा, इस तरह से हम दर्शाते हैं लेंथ उतना ही बढ़ा लिए और ये दो पॉइंट लिए। अब ये दूसरा फोर्स एफ टू को दर्शाता है और इसमें एरो दे दिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए पी, इसका नाम दे दिए क्यू। तो दूसरा बल जो है वेक्टर F2, तो वेक्टर F2 को लिखने कहेंगे तो कैसे लिखिएगा वेक्टर PQ कैसे लिखिएगा। चलिए तो मैंने दो ठो बल को दर्शाया चित्र में, अब मैं पूछूंगा क्या रे बाबू ये दोनों सदिश बराबर है या नहीं है। तो स्टेटमेंट को गौर से देखिए, स्टेटमेंट में दो तीन चीजें था, दो वेक्टर क्या पैरेलल है उसको गौर से देखो, दो वेक्टर पैरेलल है इसको देखना है, कहेंगे यस सर पैरेलल है, दोनों का परिमाण समान है गौर से देखिए और दोनों का डायरेक्शन सेम है ये देखिए। तो तीन चीज आपको देखना होगा, पहला काम यहाँ पर देखिए तीन चीज देखेंगे और तीनों में से यदि तीनों लागू हो जाए तब कहेंगे इक्वल है,
तीनों में से कोई एक चीज लागू नहीं होगा, कहेंगे इक्वल नहीं है। तो मैं देखता हूं दोनों चित्र में, यहां पर मैं कहूंगा ए बी पैरेलल है पी क्यू, जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो पहला पॉइंट का पालन हो गया सर, इस तरह का लाइन खींचने का मतलब हुआ समांतर पैरेलल, ठीक है। अब कहेंगे सर दूसरा बात, ए और बी की लंबाई और पी क्यू की लंबाई देखने में बराबर लग रहा है, मैंने भी वही सोच के इसको बनाया है कि दोनों बराबर है, तो ए से बी की लंबाई और पी से क्यू की लंबाई दोनों क्या है बराबर है, तो ये लाइन लिखने का मतलब, ये लिखने का मतलब समांतर, क्या बता रहा है ये समांतर है, और ये लिखने का मतलब समान परिमाण, क्या मतलब हुआ समान परिमाण इसका मतलब हुआ। और तीसरा पॉइंट सेम डायरेक्शन, गौर से देखिए, यदि इधर पूरब को दिखाते हैं तो एफ वन का भी दिशा हुआ पूरब और एफ टू का भी दिशा हुआ पूरब, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में भी है तो ध्यान देंगे तो क्या यहाँ पर तीनों बात का पालन हुआ, यदि तीनों बात का पालन हुआ तब मैं कहूँगा अतः, ध्यान दीजिएगा, अतः कहेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू। ए बी किसको समझाता है एफ वन को, बल एफ वन को, और पी क्यू को दर्शाता है बल एफ टू को, तो क्या ये दोनों बल बराबर हुआ, ये दोनों बल बराबर हो गया। पूरे फिजिक्स के पढ़ाई करने के क्रम में कई बार ऐसा परिस्थिति आएगा कि एक सदिश के बराबर दूसरा सदिश बनाना है बगल में आपको, तो वहां तीन बात पर ध्यान देना होगा, उसके बराबर बनाना है तो पहले समांतर रेखा खींचेंगे, लंबाई बराबर काटेंगे और एरो का दिशा तीर का चिन्ह एक ही दिशा में दिखा देंगे, तो वह एक सदिश के बराबर दूसरा सदिश आपका हो जाएगा। तो जल्दी लिख लीजिए आप लोग फटाफट, अब चित्र बना के मैं आपसे पूछूंगा वो सदिश बराबर होगा या नहीं, आपको जवाब देना है। सचिन कुमार कॉस जीरो डिग्री कहा लिखा रे, अभी कॉस का कोई गप नहीं था। अनंत कुमार यादव, क्या हाल यादव जी, गुड इवनिंग। कॉस थीटा बराबर जीरो वन कहता हम पढ़े हैं, कौन सी बड़का बाघ मार लिया, कॉस जीरो डिग्री बराबर एक तो होवे करता क्या रे, कहता हम पढ़े हैं बुलबक साहब, अभी पूछ रहे हैं कौन सी बता रहा हूँ कौन सी। हाँ ऑनलाइन हो रहा है, मोबाइल खोल के देखो दिखाई पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन कुमार, यूट्यूब में सर्च करोगे मिल जाएगा, हम वीडियो मेरा वीडियो दिखने लगेगा, आप लोग भी चिंता नहीं कीजिए, आप लोग को भी शाम में 7 बजे सप्ताह में 3 दिन आपको कहेंगे घर में बैठ के पढ़ने, अतिरिक्त लोड जब देंगे तो अतिरिक्त लोड लेने के लिए आपको 4 बार दौड़ना नहीं है, शाम में 7 बजे 1 घंटा आपको 1.25 घंटा 45 मिनट मेहनत करवाएंगे एक्स्ट्रा, कहाँ पर सेंटर पर आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कुछ अतिरिक्त चीज जब देंगे, क्या करेंगे अतिरिक्त चीज जब बताएंगे एक्स्ट्रा, तो वहां पर आपको समय देंगे। जैसे कुछ बातें हैं, सिलेबस हमारा शुरू हो गया है, सिलेबस के अलावा भी कुछ अतिरिक्त बातें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जैसे मैं बताऊंगा मैथमेटिकल टूल्स में, जैसे डिफ्रेंशिएशन, जैसे इंटीग्रेशन, जैसे लॉगरिथम, जैसे बाइनोमियल थ्योरम, जैसे बाइनोम अलजेब्रा का कुछ ऐसे टर्म है जो आपको जरूरत है हमारे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 में, तो वो सारी बातें जो एक्स्ट्रा है वो मैं चाहूँगा सारे बच्चे अपने ऑनलाइन घर में बैठ के
सप्ताह में 2-3 दिन में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो क्या सबके पास झुंझुना है ना जी? हाँ, झुंझुना बजाइएगा सप्ताह में 2-3 दिन। सबके पास नहीं है? किसके पास नहीं है झुंझुना? हाँ, झुंझुना बढ़वाएंगे। हो गया? मैं आपके पास एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। आपको देखना है, एक बल ये है जिसका परिमाण है 10 न्यूटन, कितना है, और एक दूसरा बल है, दूसरा बल लगा रहा है कोई आदमी F2, इसका भी मान है 10 न्यूटन। क्या बताओ F1 बराबर F2 होगा? वेक्टर F1 बराबर F2 होगा? यस नो, जल्दी बोलिए। ये दोनों सदिश बराबर होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, कुछ लोगों ने कहा हाँ सर, कुछ लोगों ने कहा नो सर। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अभी तुरंत तो बताया था आपको कि बराबर होने के लिए 3 चीज पे देखना होगा। पहला चीज बोला था समांतर देखना है। क्या दोनों लाइन समांतर है? रिजेक्ट हो गया यहीं से। जैसे समांतर नहीं है तो ये क्या होगा? अब ऐसा मत देखिएगा कि हो 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन। हाँ सर, ये तो बराबर है। तो सदिश राशि में 2 चीजें होती है, अब पता चलेगा परिमाण और दिशा। सदिश राशि जितने हैं सिर्फ परिमाण देख के कभी बराबर नहीं कहिएगा। उसको बराबर कहने के लिए दोनों चीज देखना होगा, परिमाण भी देखना होगा और दिशा भी देखना होगा। परिमाण बराबर हो जाए और दिशा अलग अलग है, कभी बराबर। सेठ बाबत में कंफर्म। लेकिन मैं एक बात और पूछने का मेरा मन हो गया, पूछता हूं। सही है गलत है, जल्दी बोलो। सही है गलत है? सही है गलत है? वो गोतिया में मेरा गप कर रहा था, नहीं समझा? देखा, क्लासरूम में गप करोगे कहाँ समझोगे? नहीं दिख रहा था? कौन तो ही तो प्रश्न, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो तुमको बोलना है कि क्या हाँ या ना, वही पूछ रहे सही है कि गलत है। कितने लोग सही कहेंगे बोले? देखो चारों तरफ हाथ मुंडी घुमाओ, हाथ खड़ा हो गया ऐसे। तुम्हें बुड़बक लड़का है सबसे, बैठो, गप खाली नहीं करना, हमसे पूछना डायरेक्ट। मुझे पता है कि ठेला चालक को भी मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, तो आप लोग तो पढ़ के मैट्रिक पास होके आए हो, मैं गारंटी फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ आपको। लेकिन मन में होना चाहिए कि हमको सीखना है। अब देखना गौर से, जैसे दूसरों पहरादार खड़ा कर दिए, इसका मतलब क्या होता है जी? दिशा गायब, दिशा नहीं देखना है। ये सिर्फ परिमाण बता रहा है, यह भी बता रहा है, ये कहता रहा F1 का परिमाण और F2 का परिमाण बराबर है, ये तो है 10-10। जैसे मोड लगाते हैं दिशा को भूल जाइए आप, मोड देखेंगे मन से दिशा को नहीं देखना है, सिर्फ परिमाण देखना है। तो F1 का परिमाण कितना है, F2 का परिमाण कितना है, क्या बराबर है कि नहीं है? बराबर है, हो गया काम खत्म। ऐसा समझ में? बोलिए जल्दी से समझे। मोट लगाने का मतलब है कि दिशा को नहीं देखेंगे, सिर्फ परिमाण को देखेंगे। और स्पष्ट है कि दोनों फिगर में पता चल रहा है कि दिशा को छोड़ दिया जाए तो दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो यह लाइन सही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, यह लाइन सही हुआ। अब चले आइए गौर से, यहाँ पर इतना बात होने के बाद हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे।
अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश। कौन से सुनिएगा, इसमें लिखेंगे कुछ नहीं, खाली सुनना है, इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है, सुनने के लिए है। रेडी सर, कोई भी सदिश कहीं पर है उसमें टेल और हेड को पलट देंगे, क्या करेंगे, टेल हेड को या उसके आगे माइनस लगा देंगे, क्या सुना आपने, किसी भी सदिश के टेल हेड को पलट देंगे या उसके आगे माइनस लगा देंगे तो उस सदिश का विपरीत सदिश प्राप्त हो जाता है। सुना आपने कुछ, लिखिए लेते एक लाइन, किसी सदिश के टेल तथा हेड, जल्दी जल्दी लिखिएगा, टेल तथा हेड को बदलने पर या उस सदिश के आगे निगेटिव चिन्ह, निगेटिव साइन लगाने पर उस सदिश का विपरीत सदिश प्राप्त होता है। ये सब लिखने का नहीं था फिर भी लिखा दिए, याद रखना है सुन के। कोई भी सदिश तुम्हारे पास है, आपको पूरे वेक्टर में जब दो सदिशों का घटाव पड़ेंगे, दो सदिशों का अंतर पड़ेंगे, उस समय आपको कहेंगे कि रे बाबू एक सदिश का विपरीत सदिश ले लो, तो जैसे विपरीत सदिश लेने कहेंगे वहां पर ये लाइन आपको याद रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, आइए चित्र में समझेंगे तभी मजा आता है। तो चित्र में मैं समझता हूँ यहाँ पर क्या कहता है। सपोज करिए आप लोग, एक लाइन आपका यहाँ पर है, ये एक बल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, बल का सिंबल लिया मैंने वेक्टर एफ, और ये बिंदु को दे दिया ए, इस बिंदु का नाम दे दिया बी, और इसमें एरो लगा दिए, एरो लगा दिए, ए बिंदु क्या हो गया तुम्हारा टेल, बी बिंदु यहाँ पर क्या हो गया हेड, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब कहता है इसका विपरीत दिखाना है हमको, तो विपरीत दिखाना है तो कहा कि हेड और टेल को बदल दीजिए, हेड और टेल को, हेड को टेल बना दीजिए, टेल को हेड बना दीजिए। तो ऐसा करने का मतलब है तीर का चिन्ह पलटना होगा, चलिए बोलिए, और तीर का चिन्ह पलटेंगे तो विपरीत सदिश प्राप्त हो जाएगा, ये वही रहने दीजिए। अच्छा इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, क्या पढ़ेंगे इसको, अब हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर बिंदु का नाम वही रहने दीजिए लेकिन इसको कह दीजिए टेल, इसको कह दीजिए हेड, तो इसका मतलब तीर चिन्ह इधर देना पड़ेगा कि नहीं, तो जैसे देंगे इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर बी ए, क्या पढ़ोगे बाबू, क्या पढ़ोगे, बोला था पहले टेल को लिखते हैं उसके बाद हेड को देते हैं और तब एरो लेफ्ट से राइट देते हैं, यही ना सिखाया गया है। तो यहाँ पर इसको पढ़ा मैंने वेक्टर बी ए और इसको पढ़ा मैंने वेक्टर ए बी। कोई भी इंसान कहेगा, देख के ही बता देगा कि इसका ये विपरीत है कि नहीं है, यदि ये पूरब दिशा बताता है तो यह क्या हुआ, पश्चिम दिशा होगा, ये पूरब दिशा है तो यह क्या होगा, पश्चिम, ये पूरब है तो यह क्या है, कन्फर्म, कन्फर्म, यस सर। तो मैं इसको भाषा में लिखूंगा, तो भाषा में लिखना चाहूंगा, क्या लिख सकता हूँ, गौर से देखिएगा, चित्र को देख के कहेंगे वेक्टर ए बी का विपरीत सदिश वेक्टर बी ए है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, जो चित्र में दिख रहा है मैंने उसको लिख दिया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, कन्फर्म, मैं लिख रहा हूँ एक बात, वेक्टर एफ, अच्छा ये ए बी किसको बता रहा है, वेक्टर एफ को ना, तो मैं एक लाइन लिखूंगा, आप लोग हंसिएगा ना हम गलती लिखेंगे, तो वेक्टर एफ का तो क्या हुआ, यहाँ पर ए बी को पलट दिए, बी ए लिखा कि ना, इसका विपरीत ये हुआ कि नहीं हुआ, अब मैं कहूंगा वेक्टर एफ का विपरीत, जल्दी से गौर से सोचिएगा, विपरीत सदिश,
चलो बोलो, मैं शुरू में बोला था हंसिएगा नहीं, बोला था ना सर इसको पलट दिए। हम पहले बोले थे कि मेरे बुरबक्की पर आप लोग हंसिएगा नहीं। सर आप भी बुरबक्के हैं, ऐसे कभी होता है कभी? इसीलिए लिखा गया था कि टेल हेड को बदलेंगे या निगेटिव चिन्ह लगाएंगे। जहां टेल हेड बदलने लायक है बदलेंगे, जहां नहीं है वहां माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो यहां पर सदिश हो जाएगा तुम्हारा माइनस वेक्टर एम। सुन पाया? सुन पाया? ओके बाय बाय, फिर आगे पढ़ेंगे अगले दिन।